नमस्कार साथियों साथियों आज हम बात करेंगे तिलहनी फसलों में सबसे मुख्य फसल सरसों की, और सरसों में भी हम बात करेंगे उसके एक प्रमुख शत्रु की। जी हाँ, माहू, जिसे चेपा, लाही, एफिड के नाम से, काला मच्छर, कई नामों से इसको अलग अलग स्थानों पे पुकारा जाता है। तो आज हम उसी चेपे, उसी माहू और उसी एफिड से अपनी फसल को बचाने के बारे में बात करेंगे। ये कीट बहुत ही छोटा सा, 1.5 मिलीमीटर का होता है, लेकिन छोटा है, बहुत ही छोटा है। सरसों की फसल को, ये उत्पादन को इतना ज्यादा प्रभावित करता है। जब सरसों ग्रसित हो जाती है इसके प्रकोप से, तो ये देखा गया कुछ खेतों में 90% तक नुकसान कर देता है ये माहू। तो इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। तो इसका बचाव एक्चुअली हमें करना होता है शुरुआत से ही। हमें ध्यान ये देना होता है कि हमें सरसों की फसल को ऐसे समय पे बुआई करनी चाहिए जब इसके प्रकोप से बच जाए, मतलब फलियां अगर इसमें आ जाएंगी पहले ही, तो ये हमारी फसल बच जाती है माहू के प्रकोप से भी और पाले के प्रकोप से भी। तो हमें इस तरह बोना चाहिए फसल को, सरसों को अपने को, इस तरह उसका प्रबंधन करना चाहिए, इस तरह मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमारी फसल माहू से भी बच जाए और पाले से भी बच जाए। अन्यथा दोनों बहुत नुकसान कर देते हैं ये फसल को। और ये जो माहू कीट है ना, काला काला हरा सा भूरे कलर का जो होता है, छोटा सा कीट होता है, पत्ती के नीचे झुंड में रहता है, कभी पत्ती उठा के आप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात है इसकी बुआई की, कि बुआई हम कम करें। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले हमें सरसों की बुआई कर लेनी चाहिए, अगर अपने सरसों की फसल को हमें माहू से बचाना है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये इतना छोटा सा कीट है, इतना कमजोर भी कीट है कि इसे खाली पत्ती से, अपनी उसकी टहनी से, उसकी फलियों से गिरा दीजिए किसी भी तरह। अगर आप एक डस्टर में रेत भर के और इसमें जोर से मार देने, तो ये नीचे गिर जाए तो भी नुकसान से इसके बच जाते हैं। या पानी भर के स्प्रे मशीन में वो भी अगर मार देंगे तो भी बचत हो जाती है। वैसे क्योंकि दिक्कत इसमें क्यों आती है, हाँ, मैं इसको क्यों कह रहा हूं पहले बुआई करने को, आप स्प्रे कर सकते, लेकिन फसल इतनी बड़ी हो जाती है, उसमें घुसना ही मुश्किल हो जाता है, और इतनी नमी रहती है उसमें, पानी ओस वगैरह पड़ती है, गीली रहती है, तो उस समय उसमें घुसना ही मुश्किल होता है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो उस समय स्प्रे करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए इसको हमें पहले बोने की हम संस्तुति करते हैं कि इसको थोड़ा सा 15 अक्टूबर से पहले पहले बो लीजिए, तो इससे हमारे पाले से भी बचत हो जाती है और हमारे इस माहू कीट से भी बचत हो जाती है। ये एक चूसक कीट है, मतलब रस चूसता है, ये पत्तियों का रस चूस लेगा, पत्तियां टेढ़ी हो जाएंगी, आपकी पीली पड़ जाएंगी, पौधे का विकास रुक जाता है, क्लोरोफिल जो इसमें चूस लेगा, तो इसका हरा पदार्थ चूस लेगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बना पाता पौधा, तो उससे काफी नुकसान हमारी सरसों की फसल में कर देता है ये। तो इसको रोकना बहुत जरूरी। तो एक तो मैंने बताया कि आप समय से इसकी बुआई कर लीजिए। दूसरा, जैविक नियंत्रण में आप क्या कर सकते हैं कि नीम ऑयल, नीम का जो तेल होता है उसका स्प्रे कर सके, उसमें नीम ऑयल में पानी में मिला के कुछ उसमें स्टिकर के रूप में साबुन या सर्फ मिला के, जिससे पौधे पे चिपक जाए, उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो जैविक नियंत्रण की। एक इसका कीट होता है कोक्सीनेला, जो बिटिल होती है, बग होती है, लेडी बग जिसको कहते थे, लाल रंग होता है, उस पर काले काले से धब्बे होते हैं, आपने देखा होगा, लौकी वगैरह के पौधों पर भी कई बार देखने को मिल जाता है, वो इस माहू को खाता है। अच्छा, इस माहू के साथ एक और क्या समस्या है, ये मधु का स्राव करता है, हनीडू छोड़ता है, जो जहां ये झुंडों में रहता है वहां से पत्ती पे टपकता है, पत्ती पे गिरता है, तो उस पे ब्लैक सूटी मोल्ड, मतलब काली एक कवक फंगस जम जाती है, वो भी नुकसान करती है। इसके अलावा जब माहू ये मधु स्राव करता है तो चींटियां आ जाती है, और चींटियों से हमें नुकसान नहीं है,
चींटियां इसकी बचाव करती हैं। तो जो हमारा कोक्सिनेला, जो मैंने कीट बताया, लेडी पग बताया, वो इसको खाती है, लेकिन ये चींटियां उस पर अटैक बोल देती है, तुम इसको क्यों खा रही हो। तो ये चींटियां उस इसम का, माहू का बचाव करती हैं। तो ये कीट अगर आपको एक ही बार में मारना है, तो क्योंकि चूसा कीट है, रस चूसने वाला है, ये केवल सिस्टेमिक जो हमारे इंसेक्टिसाइड होते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा 1 लीटर पानी में लीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाता है। अगर दोबारा दिखाई देता है तो आप दूसरा 10-15 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दीजिए, तो रुक जाता है। बाकी इसको जैसे मैंने बताया, अगर हम कोक्सिनेला जो हमारा कीट है, एक हमें ये ध्यान देना है कि हमें ये इसका जब ज्यादा शुरुआत में प्रकोप होता कम होता है, तो हमें खेत की निगरानी करनी चाहिए। कहा जाता है कि फसलें किसान को देख देख के बढ़ती है, वो यूं ही बढ़ती है कि किसान अगर खेत की निगरानी निरीक्षण करने सर्वे करना चाहते, सप्ताह में एक बार अगर आप अपने खेत को घूम लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि माहू कीट आ गया कि नहीं आ गया। तो शुरू में तो जब हल्का सा आता है उन टहनियों को तोड़ दीजिए, बस खत्म, तो फिर ये ज्यादा इसका प्रकोप नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा प्रकोप होने पर भी हमें इस दवा की जरूरत पड़ती है सिस्टेमिक की, जो मैंने बताया आप इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोलिन, ये दवाइयां जो है ना, क्लोरोपाइरिफॉस, ये दवाइयां हैं, इनका स्प्रे आप कर सकते हो, तो ये इसकी रोकथाम हो जाती है हमारे इस कीट की। ये कीट जैसे कि मैंने बताया, ये अंडे भी दे देता है, बच्चे भी दे देता है, और हमारे इलाके में खास करके जो गंगा का दोआबी क्षेत्र है उसमें ये बच्चे ही देता है, इसलिए पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। और खास कर ली जब बूंदाबांदी हो रही हो, बदली छा रही हो, कुहासा सा हो रहा हो, उस समय इसका प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस कीट को रोकथाम के लिए हमें उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान कर देता है। तो ये दवाइयां, अच्छी कंपनी की दवाई लीजिए, किसी की भी कंपनी की दवाई लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनकी दवाई लीजिए, और उनको आप छिड़क देंगे, एक ही बार में इसका रोकथाम हो जाएगा। ये उपाय अगर कर लेंगे, जैसे मैंने समय से बुआई कर लेंगे, जो माहू की रेसिस्टेंट वेराइटीज है उनकी बुआई कर लेंगे, तो ये फिर प्रकोप कम होता है, कम देखने को मिलता है। और हमारी अन्यथा ये क्या करता है, पत्ती का रस चूसता है, फलियों का रस चूस लेता है जिनमें दाना नहीं बना होता है, और जो हमारे फूल है ना उनका रस चूस, फूल ही नहीं होंगे, फूल गिर जाते हैं जब रस चूस लेता है, तो फलियां कहां से आएंगी। तो ऊपर के टहनी के ऊपर के हिस्से में आपको ये दिखाई देगा। इसको एक देखने का तरीका, इसका पता करने का, इसका अटैक हो गया कि नहीं, एक तरीका और इसे रोकथाम का, आप एक कोई पीला कागज लीजिए, ये क्योंकि पीले रंग की तरफ, ये पूला पीला फूल समझ के उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो पीला कागज लीजिए, एक पेपर लेकर उस पर गोंद, ग्रीस या तेल लगा के, और उसको लगा दीजिए कहीं भी खेत में। एक एकड़ में 5-6 जगह अगर आप लगा देते हैं तो ये माहू उस पर जाता है और वहां चिपक के मर जाता है। तो जब उस कागज पर आपको चिपक के देखा ही नहीं ये काफी कीट, तो आप समझ लीजिए आपको माहू का अटैक हो गया है। और बहुत ज्यादा अगर आपको 100 पौधे गिनिए, 100 पौधे में 30-40 पौधों पर माहू दिख जाए, तो समझ लीजिए आप तो स्प्रे करना जरूरी है। तो बहुत ज्यादा अटैक होने पर ही इसका स्प्रे हम कर सकते हैं, दवाइयों का, केमिकल रसायनों का, अन्यथा हम अपनी जैविक विधियों से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना, जो हमारा सौंठ है, इसका भी घोल बना के, सौंठ का घोल बना लेते हैं, कुछ काढ़ा बना लेते, लोकल दवाई घर में बना लेते हैं, नीम की पत्तियां घोल लेते, उनका स्प्रे कर देते हैं। इसकी जो है ये 40 दिन की लाइफ साइकिल है, उसमें 100 बच्चे दे देती है मादा जो है फीड होती है। एक सप्ताह नहीं बल्कि डेली 6 बच्चे देती है, और 30-40 दिन में ये 100-150 तक बच्चे दे सकती है। तो इसका निरंतर करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।